आप देख रहे हैं News 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News 21 में। आप सब देख रहे हैं मेरे साथ मॉर्निंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। टीकाराम जूली बोले, देश में डबल इंजन की सरकार फेल, रंधावा पायलट पूनिया ने जुबेर खान को दी श्रद्धांजलि। पूर्व दिवंगत सांसद की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन, तिजारा की हनुमान बगीची में मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस। श्रीगंगानगर में द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित, नवनियुक्त कार्मिकों को मिले नियुक्ति पत्र, विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। खाद न मिलने पर रोड किया जाम, डीक में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे तिजारा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर और पूर्व दिवंगत सांसद महंत चांदनाथ योगी की सप्तम स्मृति दिवस के अवसर पर तिजारा की हनुमान बगीची में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कन्या पूजन के उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। शिविर में 755 यूनिट रक्तदान प्राप्त हुआ। विधायक बालकनाथ ने कहा कि रक्तदान महादान होता है, सबसे पुण्य का काम होता है। शिविर में हजारों की संख्या में उपस्थित साधु संतों और स्थानीय लोगों ने प्रसाद प्राप्त किया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अब खबर डीग से है, जहां पर पीएम आवास योजना व मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव को लेकर डीग में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कामा विधायक नौक्षम चौधरी मौजूद रही। योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को श्रीफल, शॉल, आवास पूर्णता प्रमाण पत्र एवं आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए। विधायक नौक्षम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों से आमजन की मूलभूत जरूरतों पर ध्यान देते हुए रोटी, कपड़ा और मकान को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अब खबर डीग से है, जहां पर पीएम आवास योजना व मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव को लेकर डीग में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कामा विधायक नौक्षम चौधरी मौजूद रही। योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को श्रीफल, शॉल, आवास पूर्णता प्रमाण पत्र एवं आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए। विधायक नौक्षम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों से आमजन की मूलभूत जरूरतों पर ध्यान देते हुए रोटी, कपड़ा और मकान को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। रोजगार उत्सव मनाया जा रहा है, नियुक्तियाँ दी गई हैं, आवास मिले हैं, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर तो किसी को कुछ नहीं चाहिए। और ये सरकार इस अंतिम छोर पे भी जो व्यक्ति खड़ा है उसके साथ मजबूती से खड़ी है, गरीबों के हक के लिए खड़ी है और ऐसे ही आगे हम काम करें। खबर अलवर से है, जहां पर रामगढ़ विधायक जुबेर खान के निधन पर उनके अलवर स्थित आवास पर परिवार के लोगों को सांत्वना देने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार फेल है, इंजन का धुआं निकल गया है, दूसरा इंजन तो बस खड़ा हुआ है, काम कुछ नहीं कर रहा है। वहीं सचिन पायलट ने भी जुबेर खान के इंतकाल पर गहरा शोक व्यक्त किया। पायलट ने कहा कि जुबेर खान संगठन के बड़े नेता रहे, जुबेर खान की जान कांग्रेस के लिए थी, पूरी कांग्रेस को बड़ा दुख है। उनके साथ सांसद मुरारी मीणा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जुबेर खान ने हमेशा पार्टी के हित में काम किया और इसी कारण ये 4 बार विधायक भी चुने गए। जूली ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी जुबेर खान के निधन पर शोक व्यक्त किया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। और सब लोग उनके परिवार को सांत्वना देने, उनको ढांढस बंधाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। रंधावा जी भी अभी पहुंचे हैं, अभी उनके बाद पायलट साहब भी आएंगे और भी अभी काफी मंत्री, विधायक, अभी भी 15-20 विधायक रंधावा जी के साथ यहाँ पे आए हैं। दिवंगत लगा साथ मेरा ऑर्गेनाइजेशन के आदमी थे और जब भी इन्होंने बात की, कांग्रेस पार्टी की बात की और अपनी बात कभी नहीं की, तो मेरा फर्ज बनता कि जो कांग्रेस का वर्कर है, लीडर बनकर नहीं वर्कर बनकर काम करता है, तो मेरे को जब कल शाम को ही पता चला अध्यक्ष जी से, मैंने कहा कि पहले वहाँ जाएंगे फिर मीटिंग करेंगे। कल जाकर, आज मीटिंग थी, आज की मैंने कैंसिल करके पीछे आया हूँ, बच्चों के पास आया हूँ। और एक ऐसा लीडर है जो जांबाज था कांग्रेस के लिए, उसकी जान कांग्रेस के लिए थी, तो आज हमसे चले गए हैं। पूरे कांग्रेस फैमिली को इसका दुख है और उस दुख में शामिल होने के लिए। जुबेर जी नजदीकी कहे जाते थे गांधी परिवार के, अब तक कोई सूचना हो कब कोई आएगा? देखिए, मैं आप उनको बताएंगे तो आप आते हैं या नहीं, पर शोक संदेश उनका जहां जरूर आएगा। आ गया, आ गया।
उनका आ गया है। और देखिए, और मैंने कई बार देखा कि जब भी मीटिंग में राहुल जी के सामने या खड़गे जी के सामने उनको या हमारे नेताजी को पता है LOP को, तो बड़ी ठोस बात और मजबूती के साथ और कांग्रेस की बात और किसी से कभी डर कर नहीं बात की, जो सिंचाई है वो सामने उन्होंने सिंचाई की बात की, पार्टी को मजबूत करने की बात की, इसलिए मेरा उनके लिए बहुत सत्कार था। चुनाव को लेकर भी अब वो लग रहा है कि उपचुनाव होगा तो क्या रणनीति रहेगी? देखते हैं, कल हम मीटिंग कर रहे हैं, कल उपचुनाव जो है 6 हैं, अब 7 हो गए, बदकिस्मती से एक और आ गया, तो कल हम करेंगे। अभी इनका जब ये परिवार बाहर निकलेगा उसके बाद प्रमुख अलवर शहर में आए, उन्होंने कहा कि हिंदू सिर्फ देश में अच्छा काम करते हैं और अन्य धर्म नहीं करते। देखिए, बीजेपी का ऐसा नारा देना बदकिस्मती है। ये हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर स्टेट है, कंट्री है, इसमें हर धर्म को बराबर रखा गया है। तो जो ऐसी बात करनी कि हिंदू है, तो मैं कहता हूं कि पंजाब की देश की आज़ादी के लिए 80% हमने कंट्रीब्यूशन की है, तो मैं कहता हूं कि सिर्फ पंजाबियों के लिए हिंदुस्तान है नहीं, बिल्कुल ये हिंदुस्तान हम सबका साझा है और हम इकट्ठे काम करेंगे। अच्छा, विगत जितने महीनों डबल इंजन की सरकार रही है राजस्थान में, क्या लग रहा है वो कार्यशैली चुनाव को ना? ऊपर वाला इंजन अब काम कर रहा है, वो भी धुआं मार रहा है, नीचे वाला तो वैसे ही खत्म हो गया, इसके ना आगे ट्रेन जा रही है ना पीछे जा रही है, खड़गी है खड़ी है और चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं, तो जब देखते नहीं कि वहाँ इंजन खड़ा, पुराने इंजन आप देखते थे कि चलते नहीं थे, धुआं ही धुआं उनका निकलता है, इनका धुआं निकल गया। रंधावा जी, एक सवाल है कि अभी जो कुछ महीने पहले बीजेपी के 2 विधायक दिवंगत हुए, उनको पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि जुबेर जी इस विधानसभा के सबसे सीनियर लीडरों में गिने जाते हैं, उनको पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। ये हर MLA के लिए सत्कार होता है, तो कोई भी कॉमेंट हो, इस गार्ड ऑफ ऑनर को कभी भी नहीं ये करना चाहिए कि एक कांग्रेस या एक बीजेपी का जो भी वहाँ विधानसभा में गया वो विधानसभा का मेंबर है, ना कि एक कम्युनिटी का, एक पार्टी का नहीं है। वहाँ विधानसभा में जो बात चलती है वो ऑन रिकॉर्ड आती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, इसलिए उन्होंने जो किया है गलत किया है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि डबल इंजन नहीं है, ये पोलराइजेशन का इंजन है, ये देश में एक दूसरे की नफरत फैलाने का काम करते हैं, हम देश को जोड़ने के लिए काम करते हैं। अच्छा, हरियाणा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? 7 विधानसभा है, चूंकि आप यहाँ के प्रभारी हैं और हरियाणा है पंजाब के में, इनके साथ 8 में मेरे भी लगा लो, मेरे भी वहाँ बाई इलेक्शन है, क्योंकि मैं MLA से MP बनकर आ गया हूँ। तो हमारी स्ट्रेटजी जो है, जो हम लोगों के में जाएंगे, आपने अभी कहा कि डबल इंजन की सरकार है, इंजन तो फेल हो गया, अब लोगों में जाकर हम फतवा लेंगे और 7 की 7 सीटें कांग्रेस को। सर बताएं। स्वर्गीय जुबेर खान साहब एक अच्छे संजीदा राजनेता थे और बहुत अच्छा अध्ययन था, मैंने जिन लोगों को देखा उनमें से बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, इस तरीके की झलक उनमें दिखती थी। मेरा व्यक्तिगत संबंध और व्यवहार बरसों से था, एक अच्छे मित्र की तरह मिलते थे। मैं जितना उनके बारे में जानता हूँ, अपने क्षेत्र में भी लोकप्रिय थे। राजनीतिक रूप से इस व्यक्तित्व का व्यक्ति जो संघर्ष करता वो संघर्ष उन्होंने किया, अपने विचारों के प्रति वो अडिग थे, कभी भी उसमें विचलन नहीं हुआ। मैं उस मित्रता के भाव से उसी नाते एक राजनेता को श्रद्धांजलि के लिए, एक मित्र को भावांजलि के लिए आया हूँ। मैं समझता हूँ कि क्षेत्र के तो वो पोषण करते ही थे, लेकिन कांग्रेस के विचारों के लिए उनकी प्रतिबद्धता नायाब थी। और डीग में कोली समाज के लोगों ने मोरी मोहल्ला से गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर पूरा डीग गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। DJ बैंड बाजों के साथ शहर में गणेश जी की शोभा यात्रा निकाल कर कच्चे कुंड में विसर्जन किया गया। वह कोली समाज द्वारा दूसरी झांकी का विसर्जन करने वाले कुंड में कराया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान सुधार स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम के अंतर्गत मंगलवार को सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ द्वारा सादुलशहर में भीमराव अंबेडकर चौक पर स्थापित मूर्ति की सफाई कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में विधायक बराड़ ने आमजन को स्वच्छता ही सेवा अभियान की जानकारी देते हुए सभी से घर और अपने आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखने व गीले सूखे कचरे को अलग अलग डालने का आह्वान किया। इसी के साथ ही स्वच्छता रैली का भी आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। डीग में खाद न मिलने पर किसानों ने रोड जाम कर दिया। हिंदी पुस्तकालय के सामने क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर किसानों ने डीएपी खाद की किल्लत के चलते विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार जुगिता मीणा और सदर थाना प्रभारी आशुतोष ने सहकारी समिति के कर्मचारियों व किसानों को समझाइश कर जाम खुलवाया और आधार कार्ड से सदर थाना पर पर्ची बनाकर खाद हड़पट पाया। किसान सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े हुए थे, औरतें भी लाइन में लगी हुई थी। ऐसे में डीलर गजराज सिंह के द्वारा गड़बड़ी की जा रही, जिसे देखकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। देख से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अभी मुझे सूचना मिली थी पुलिस के इंतजाम से लेकर के किसानों के द्वारा लक्ष्मण मंदिर के पास रोड पर जाम लगा दिया। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को जयपुर में द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसी क्रम में नई धान मंडी स्थित श्रीगंगानगर ट्रेडर एसोसिएशन भवन में आयोजित श्रीगंगानगर का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े जिला स्तरीय आयोजन में गंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी, सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़, जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, जिला प्रमुख कविता रेगर, नगर परिषद सभापति गगनदीप कौर पांडे द्वारा पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र और आवास स्वीकृत पत्र सौंपे गए। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को झुंझुनू स्थित परमवीर पीरू सिंह राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संपूर्ण प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ किया। वहीं गंगापुर सिटी जिले में स्तरीय कार्यक्रम जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में विजय पैलेस मैरिज गार्डन में आयोजित किया। इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और साथ ही नगर परिषद के कार्मिकों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता ही सेवा आधारित जीवन के संबंध में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। खबर बस्सी से है, जहां पर गुनेर हिंगोनिया गौशाला में सुरभि नारी शक्ति संस्था व आपातकालीन ग्रुप द्वारा गौ सुरक्षा संरक्षण के लिए विचार संगोष्ठी का विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जयपुर से गौ भक्तों की टीम को सिद्धेश्वर महंत अवधेश दास महाराज द्वारा रवाना किया। कार्यक्रम में आरएस अधिकारी और मिलावट पर प्रहार करने के लिए मशहूर एडिशनल फूड कमिश्नर पंकज ओझा द्वारा गौ भक्तों का उत्साह वर्धन किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से गौ रक्षक टीम उपस्थित रही। आपातकालीन ग्रुप में बस्सी से ग्राम पंचायत घाटा सरपंच नीतू मीणा और बहुसंख्या में सुरभि नारी शक्ति के महिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। संस्था से कार्यक्रम आयोजित गौ भक्त एंड सुजाता शर्मा, संतोष शर्मा, राजेश्वरी शर्मा, चंद्रकला द्वारा सभी गौ भक्तों का सम्मान किया गया और सड़क दुर्घटना में घायल गौवंश के इलाज व्यवस्था व उन्हें नजदीकी गहन चिकित्सा विभाग तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य के लिए सराहना की। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। सीएम भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी क्रम में गंगापुर सिटी में जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय आयोजन में पीएम आवास योजना के 20 लाभार्थियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र और अन्य 20 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे गए। आवास पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ साथ लाभार्थियों को आवास योजना की चाबी, श्रीफल, शाल एवं मिठाई भी भेंट की गई। साथ ही इन लाभार्थियों का गुलदस्ता भेंट कर एवं माला पहनाकर स्वागत हुआ। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।